नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 27 अक्टूबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि, शुक्र कन्या राशि, सूर्य और बुध तुला राशि, वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में बृहस्पति, शनि मकर राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में और मंगल मीन राशि में गोचर में है, जिसमें मंगल और बुध वक्री है, शुक्र और सूर्य नीच के हैं। ग्रहों की स्थिति मध्यम चल रही है। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि की स्थिति धन के मामले में, शुभता के मामले में सही चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य और प्रेम ये दोनों प्रभावित है। अब आप कहेंगे कि जब स्वास्थ्य किसी का और प्रेम किसी का अगर प्रभावित हो तो फिर कैसे सही हो सकता है, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है वो साथ देगी। कुछ ऐसी चीजें, कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति, धनार्जन, यात्रा, संतान पक्ष से भी कुछ मध्यम से बेहतर, तो इस वजह से आप ठीक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और प्रेम में मत उलझिए। लाल वस्तु पास रखिए और सूर्य को जल दीजिए। वृषभ राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम है और प्रेम भी मध्यम है। गणेश जी की वंदना करें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम भी मध्यम, व्यवसायिक स्थिति आपकी सही चल रही है। पीली वस्तु का दान करें, जैसे चने की दाल इत्यादि दान कर सकते हैं आप, और काली जी के शरण में बने रहें। कर्क राशि, कर्क राशि की शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक, ये तीनों चीजों मध्यम चल रही है, लेकिन आपके अपोजिटर भी आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ सीखेंगे आप, उस सीखने में मस्त रहेंगे, इसलिए सही चल जाएगा। पीली वस्तु पास रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सिंह राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, रंगीन बने रहेंगे, छुट्टी सा एहसास होगा, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा, व्यापार अच्छा, सूर्य को जल दे, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, विरोधी परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम अच्छा रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। पीली वस्तु का दान करिए, शनिदेव को प्रणाम करिए। तुला राशि, भावुक बने रहेंगे, भावुकता में लिया गया निर्णय आपको नुकसान कर सकता है, बाकी आपका स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, प्रेम और व्यापार सही चलता रहेगा। शनिदेव की शरण में सदैव बने रहे और सूर्य को जल दें। वृश्चिक राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं, लेकिन गृह कलह की आशंका है, और स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम अच्छा है, व्यापार अच्छा है, भगवान विष्णु को प्रणाम करें और पीली वस्तु पास रखें। धनु राशि, किया गया पराक्रम सफलता दिलाएगा, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे रास्ता बनने लगेगा। बजरंग बाण का पाठ करें। मकर राशि, जुबान पे नियंत्रण रखें, पूंजी का निवेश, जुगा सट्टा लॉटरी वगैरह में पैसे ना लगाएं, स्वास्थ्य ठीक ठाक चल रहा है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मध्यम से आगे की तरफ आप चल रहे हैं। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, आपका कद बढ़ेगा, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या व्यवसायिक हो, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। गणेश जी की वंदना करते रहे। मीन राशि, मन से थोड़ा परेशान रहेंगे, खर्चे को लेकर के बहुत कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी निगेटिविटी बनी रहेगी, प्रेम में थोड़ी दूरी बनी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा है, व्यवसाय अच्छा है, बहुत परेशान होने जैसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ रही है। शिव जी का जलाभिषेक जारी रखें। नमस्कार।